कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के बीच हुआ गठबंधन। बीजेपी 24 और जेडीएस 4 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे गठबंधन का औपचारिक ऐलान। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा और बढ़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर से गठबंधन करने का फैसला किया है। दोनों ही दलों में गठबंधन के साथ सीट बंटवारे की भी सहमति बनी है। साथ ही इस बात पर भी सहमति बन गई है कि संसद के विशेष सत्र के बाद मोदी सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करती है तो जेडीएस को एक मंत्री पद भी दिया जाएगा। हालांकि दोनों ही दलों की ओर से इस बारे में कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। दावा किया जा रहा है कि अमित शाह के निर्देश के बाद इस पर औपचारिक घोषणा की जाएगी। लेकिन इस गठबंधन को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम वाईएस येदियुरप्पा ने जरूर सब कुछ साफ कर दिया है। उन्होंने कहा, पूर्व पीएम एसडी देवगौड़ा की पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सब कुछ साफ हो चुका है। कर्नाटक की लोकसभा सीटों में से जेडीएस को 4 और बीजेपी को 24 सीटों पर चुनाव लड़ना मंजूर हुआ है। मैं उनका स्वागत करता हूँ, तय सीटें मिलेंगी। अब गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कर्नाटक के पूर्व सीएम एसडी कुमार स्वामी के बीच मुलाकात होनी है और इसके बाद गठबंधन का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। जेडीएस को जो 4 सीट दी जा रही है उसमें से हासन, बेंगलुरु ग्रामीण, मांड्या और चिकबल्लापुर की सीट शामिल है। अभी बेंगलुरु ग्रामीण सीट कांग्रेस के पास है, हासन पर जेडीएस का कब्जा है तो मांड्या सीट बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के कब्जे में है। बाकी की 25 सीटें बीजेपी के पास हैं, यानी जो गठबंधन होगा और बीजेपी जिन सीटों को जेडीएस को देगी उसमें सिर्फ चिकबल्लापुर ही बीजेपी की सीटिंग सीट है जो जेडीएस को सौंपेगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद से ही बीजेपी ने अपने गठबंधन एनडीए का कुनबा बढ़ाने की रणनीति बना ली। बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया था, अगर कर्नाटक में जेडीएस के साथ नहीं लड़ेगी तो आधी सीट उसके हाथ से फिसल जाएगी और जो सीट जेडीएस को दे रही है उसमें से 3 पर तो पहले भी नहीं जीत पाई थी क्योंकि वो पहले ही बोकलिंगा बाहुल्य है और ये वर्ग अभी जेडीएस का परंपरागत मतदाता है। वैसे जेडीएस के साथ बीजेपी की गठबंधन की चर्चा तो विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन मामला सीटों को लेकर फंसा था। मगर पूर्व प्रधानमंत्री एसडी देवगौड़ा और पीएम नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद बात बन गई। दावा किया जा रहा है कि एसडी देवगौड़ा की सास से भी बात हुई है। दरअसल अभी बीजेपी कर्नाटक में लिंगायतों के बदौलत चुनाव जीतती रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रवाद के नाम पर वोक्कालिंगा भी बीजेपी के पक्ष में आ गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में फिर ये कांग्रेस और जेडीएस के पास वापस चले गए। बदले राजनीतिक हालात में बीजेपी को ऐसे साथी की तलाश थी जो इसकी भरपाई कर सके। देवेगौड़ा बोक्कालिंगा समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और बोक्कालिंगा वोटरों के दम पर देवेगौड़ा परिवार कर्नाटक में कई बार किंग मेकर बना। बीजेपी को उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद बोक्कालिंगा के साथ लिंगायत वोटों का भी साथ मिलेगा और अगर ये दोनों वोट उसके पाले में आ जाते हैं तो फिर कर्नाटक में पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन के आसपास पहुंच सकती है। दरअसल बीजेपी को इंडिया गठबंधन बनने के बाद से ही इस बात का एहसास हो गया है कि मुकाबला कांटे का हो सकता है। दूसरा 2019 में उसके जो साथी दल थे वो इस बार चुनाव में उससे दूर हो चुके हैं। मोदी शाह के युग में बीजेपी की छवि ऐसी पार्टी की बन गई है जो अपने सहयोगियों को साथ नहीं रख पाती है, क्योंकि पिछले 5 सालों में शिवसेना, उद्धव गुट, जेडीयू, अकाली दल सहित तमाम पार्टियां बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर अलग राह पकड़ चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी अब नए सिरे से गठबंधन तैयार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉर्दर्न न्यूज़।